मॉर्निंग बच्चों, कल हमने आपको क्लास थ्री का निबंध परोपकार कराया था। अब फिर से आप लोग कॉपी पेंसिल निकालिए, लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी? यस, वेरी गुड क्लास। अब यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया था कि परोपकार में ही अपना सारा जीवन लगा दिया। अब उसी लाइन से तीसरा पैरे पे आप लोग लिखना शुरू करिए। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीबों को वस्त्र और विकलांग को सहारा देकर भी परोपकार किया जा सकता है। हम एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं बच्चों। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, गरीबों को वस्त्र और विकलांग को सहारा देकर भी परोपकार किया जा सकता है। बच्चों, हमें परोपकार सदैव निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। परोपकार कोई भी व्यक्ति करे, उसको दूसरों का भला करने से मानसिक शांति मिलती है। इसलिए जो है, परोपकार में कोई स्वार्थ नहीं छुपा होना चाहिए। बच्चों, आज हम आपको गृहकार भी दे रहे हैं। निबंध याद करके, पहले आप याद करेंगे, ये नहीं कि आपने पेन और कॉपी निकाली और लिखना शुरू कर दिया। पहले याद करेंगे, फिर कॉपी में लिखेंगे। ओके, बाय बाय।